मैं शुक्ल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे थियरम द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के तीनों तीन एंगल एंगल दस दस एंड दस, ये तीनों का टोटल कितना होता है 180 होता है, ऐसा ये बोल रहा है थियरम। ओके, तो ये थियरम के अंदर ये तीनों तीन का टोटल कितना हो जाएगा 180 हो गया, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं गिवन में क्या है। देखो तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी कर दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ट्राइंगल तो बना दिया, उसके बाद मैंने क्या कर लिया कि एक लाइन ड्रॉ की है जो दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस लाइन, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं क्यू, और दिस लाइन मीन्स क्यू आर, दिस पी क्यू एंड आर, तो मीन्स एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ऐसा हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो गिवन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये ट्राइंगल के अंदर तीनों तीन एंगल मीन्स ये ट्राइंगल है ऐसा लिख सकते हैं, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर इज ट्राइंगल। ओके, अब सेकंड थिंग क्या हो जाएगा कि एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मीन्स वन टू थ्री, मीन्स ये वन, ये टू और ये थ्री, ये क्या है ट्राइंगल के एंगल्स है। तो मीन्स दो चीज़ हमको मालूम थी कि भाई एक ट्राइंगल है और उसका यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं। सेकेंड थिंग क्या है, टू प्रूव क्या करना पड़ेगा हमको, टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है कि ये ट्राइंगल का टोटल वन, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 180 जो ऐसा हमको प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको, ओके, प्रूफ के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, पहले ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसा हम प्रूव कर रहे हैं, बरोबर, पैरेलल है सॉरी ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी कंस्ट्रक्ट हियर, नाउ वी कंस्ट्रक्ट लाइन लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ऐसी लाइन बनानी है कि जो क्यू आर के पैरेलल हो। फिर दूसरा अब क्या करेंगे, ये पैरेलल है, तब पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल यहाँ पे ये इसको एक लाइन ऐसे समझ लेते हैं कि ये पूरी बड़ी लंबी लाइन है, तो पैरेलल होगा तो होगा क्या, देखो कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे समझ लो कि ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे देखो ये एक जेड बन रहा है, ये हमारा जेड बन रहा है, तो जेड मीनिंग मीनिंग मीन्स क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स मीन्स दिस एंड दिस बोथ एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे सपोज दो लाइन पैरेलल हो तो इसके ये और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंड दिस बोथ बोथ एंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंड दिस टू एंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे लेट अस वी डिस्क्राइबिंग हियर, नाउ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, एक्स वाई एंड क्यू आर, इसके अंदर ये कौन सा है, पी क्यू जो लाइन है ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल दिस मीन्स फोर, यस बेटा वाओ बहुत अच्छा तैयार हुई है, ओके एंगल फोर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू, ओके मीन्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ सेम थिंग, अब यहाँ पे देखो ये और ये लाइन इक्वल है और ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल फोर और एंगल फाइव, ओके मीन्स एंगल फोर और एंगल फाइव, तो अगेन मैंने बोला था ना आपको
ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो हमने पहले क्या बता दिया, ये और ये इक्वल है, अब इसको इक्वल बता रहे हैं, मीन्स 4 और 5 को इक्वल बता रहे हैं, क्यों, यहाँ पे हमारा एक जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो अब वो लिख देते हैं, नाउ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, वेर पी आर इज ट्रांसवर्सल, लाइक अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इट्स अ वन एंड बाय विच लो वी आर इट्स अ इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल्स ओके सेम थिंग हियर, तो एंगल फाइ इज इक्वल टू एंगल 4, ये इट्स अ पार्ट टू एन अल्टरनेट एंगल्स ओके। अब क्या हो, 1 और 2 मीन्स ये दोनों इक्वल है ओके तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग 1 एंड 2 मीन्स ये दोनों हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये दोनों को ऐड किया, अब ये दोनों को कर रहे हैं ओके, एंगल 4 सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 5 ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड देखो ये और ये दोनों इक्वल थे तो हमने लिख दिया इक्वल है, दोनों साइड हम एक काम करेंगे कि 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ी गलती है सॉरी, यहाँ पे देखो आपने मैंने गलती किया कि ये देखो आपने 1, 2, 3 की जगह मैंने 4 लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 और 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना ओके, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 2 और 3 तो मीन्स ये हुआ 2, 3 एंड 4, 5 तो 4, 5 ओके, तो 2, 3 और 4, 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों साइड हम एंगल 1 को ऐड करेंगे, इसको हम एंगल 1 को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कह दिया, तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग एंगल 1 इन बोथ साइड ओके, तो मीन्स एंगल 1 को हमने दोनों साइड ऐड किया। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5, देखो एंगल 1 मीन्स दिस वन, एंगल 4 मीन्स दिस वन, एंगल 5 मीन्स दिस वन ओके, तो ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180, तो सिंपल सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों एंगल जो मिलेंगे तो पूरा एक हाफ सर्कल बना रहा है, वो 180 ही होता है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि बाय स्ट्रेट लाइन ऑक्सियम या समथिंग कुछ भी लिख दो या फिर एंगल्स ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ओके, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 180। तो मीन्स एंगल 1, 2 और 3 इसका तो कितना मिल गया 180, जो हमको प्रूव करना था, तो मीन्स यहाँ पे ये तीनों तीन का टोटल कितना मिल गया 180, जो हमको प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।